राजस्थान रॉयल्स की ऐतिहासिक जीत के बाद बदला आईपीएल 2024 का पूरा पॉइंट्स टेबल। दिल्ली कैपिटल्स मुंबई इंडियंस की टीम को लगा तगड़ा झटका, तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम हुई हैरान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल में। आईपीएल 2024 का नवा महामुकाबला राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच खेला गया, जहां पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने ऐतिहासिक परफॉर्मेंस करते हुए इस महामुकाबले को जीतकर अपने नाम पर किया। और इसी ऐतिहासिक जीत के बाद अब पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इस मुकाबले के बाद पॉइंट्स टेबल का क्या हाल है, कौन सी टीम कौन से स्थान पर मौजूद है, कितनी नेट हंड्रेड है, कितने पॉइंटों के साथ ये टीमें पॉइंट्स टेबल में अपनी जगह बना चुकी है। टॉप फोर टीमों के बारे में तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और अगर आप भी राजस्थान रॉयल्स की टीम की इस ऐतिहासिक जीत के साथ खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों, हम बात करें सबसे पहले यहां पर पॉइंट्स टेबल के पूरे हाल के बारे में। तो फिलहाल पॉइंट्स टेबल के आखिरी पायदान से हम बात करें तो आखिरी पायदान पर मौजूद है लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम, जहाँ पर लखनऊ सुपर जेंट्स की टीम ने अब तक आईपीएल का अपना एक मुकाबला खेला है। पहले मुकाबले को ये टीम गंवा चुकी है। टीम की नेट हंड्रेड है -1.000 के साथ ये टीम फिलहाल नंबर 10 पर मौजूद है। और इस टीम को अपने बचे हुए 9 मुकाबलों में दमदार तरीके से जीत दर्ज करनी है। तो वहीं पर नंबर 9 पर मौजूद है मुंबई इंडियंस की टीम, जहाँ पर मुंबई इंडियंस की टीम ने भी अब तक 2 मुकाबले खेले और दोनों ही मुकाबलों को यह टीम भी गंवा चुकी है। यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम के पास फिलहाल यहाँ पर एक भी पॉइंट मौजूद नहीं है। तो इस टीम की नेट हंड्रेड है -0.925 के साथ ये टीम फिलहाल नंबर 9 पर मौजूद है। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस की टीम को टॉप फोर में अपनी जगह बनाने के लिए दमदार परफॉर्मेंस करना होगा। तो वहीं पर नंबर 8 की बात करें तो नंबर 8 पर मौजूद है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, जहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने भी अब तक 2 मुकाबले खेले, दोनों ही मुकाबलों को यह टीम हार चुकी है। टीम की नेट हंड्रेड है -0.528 के साथ ये टीम फिलहाल नंबर 8 पर मौजूद है। और इस टीम को भी दमदार परफॉर्मेंस करना है और अपने बचे हुए 8 मुकाबलों को दमदार तरीके से जीत कर अब यह टीम टॉप 4 में पहुँच सकती है। तो वहीं पर नंबर 7 की बात करें तो नंबर 7 पर मौजूद है गुजरात टाइटेंस की टीम, जहाँ पर गुजरात टाइटेंस की टीम ने भी अब तक 2 मुकाबले खेले, 1 मुकाबला जीता है, 1 मुकाबला हारा है। टीम के पास 2 पॉइंट है, नेट हंड्रेड है -1.425 के साथ ये टीम फिलहाल नंबर 7 पर मौजूद है। तो ऐसे में यहाँ पर गुजरात टाइटेंस की टीम को भी अब अपने बचे हुए मुकाबलों में दमदार परफॉर्मेंस करना है और नेट हंड्रेड को भी बेहतरीन करनी है। वहीं पर नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम मौजूद है। यहाँ पर आरसीबी की टीम ने अब तक 2 मुकाबले खेले, 1 मुकाबला जीता, 1 मुकाबला हारा। इस टीम के पास 2 पॉइंट है, नेट हंड्रेड है -0.180 के साथ ये टीम फिलहाल नंबर 6 पर मौजूद है। तो ऐसे में आरसीबी की टीम को भी फिलहाल अपनी नेट हंड्रेड को बेहतरीन करनी है और बचे हुए मुकाबलों में भी दमदार परफॉर्मेंस करना है। वहीं पर नंबर 5 की बात करें तो नंबर 5 पर पंजाब किंग्स की टीम मौजूद है, जहाँ पर पंजाब किंग्स की टीम ने भी 2 मुकाबले खेले, 1 मुकाबला जीता, 1 मुकाबला हारा है। इस टीम के पास 2 पॉइंट है, नेट हंड्रेड है +0.025 के साथ ये टीम फिलहाल नंबर 5 पर मौजूद है। तो ऐसे में पंजाब किंग्स की टीम को भी दमदार परफॉर्मेंस करने और सभी मुकाबलों को जीतना है। वहीं पर टॉप 4 टीमों की बात करें तो फिलहाल नंबर 4 पर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम मौजूद है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अब तक 1 मुकाबला खेला, पहले ही मुकाबले को टीम ने दमदार तरीके से जीता। इस टीम के पास 2 पॉइंट है, नेट हंड्रेड है +0.200 के साथ ये टीम फिलहाल नंबर 4 पर मौजूद है। तो नंबर 3 पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मौजूद है। हैदराबाद की टीम ने 2 मुकाबले खेले, 1 मुकाबला जीता, 1 मुकाबला हारा है। इस टीम के पास 2 पॉइंट है, नेट हंड्रेड है +0.675 के साथ ये टीम फिलहाल नंबर 3 पर मौजूद है। तो नंबर 2 पर फिलहाल राजस्थान रॉयल्स की टीम पहुंच चुकी है। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अब तक 2 मुकाबले खेले, दोनों ही मुकाबलों को जीता है। टीम की नेट हंड्रेड है +0.800 और 4 पॉइंटों के साथ ये टीम नंबर 2 पर मौजूद है। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स की टीम को भी दमदार नेट हंड्रेड करते हुए नंबर 1 पर जगह बनानी है। तो नंबर 1 पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मौजूद है,
जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने दो मुकाबले खेले, दोनों ही मुकाबलों को जीता है। टीम के पास 4 पॉइंट नेट रेड प्लस 1.979 के साथ ये टीम नंबर 1 पर मौजूद है, यानी कि यहां पर टॉप 4 टीमों में फिलहाल चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स और यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें बनी हुई है, जिन्होंने अब तक दमदार परफॉर्मेंस करते हुए नेट रेड को भी बेहतरीन बना रखा है। वहीं पर पंजाब किंग्स की नेट रेड भी फिलहाल काफ़ी बेहतरीन है, तो ऐसे में यहां पर ये टीमें अभी भी टॉप 4 में शामिल है और कमाल का परफॉर्मेंस करेगी तो अगर यही टीमें यहां पर टॉप 4 में रहकर क्वालिफाई का मुकाबला खेलने पहुंच सकती है। लेकिन अभी भी यहां पर सभी टीमों के पास मौके रहेंगे कि वे दमदार परफॉर्मेंस करें और अपने मुकाबलों को जीत कर यहाँ पर टॉप 4 में अपनी जगह बनाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार यहां पर टॉप 4 में वो कौन सी टीमें शामिल रहेगी और क्वालिफाई का मुकाबला किन 4 टीमों के बीच हमें देखने को मिलेगा और कौन सी टीम को आप फाइनल का खिताब जीतते हुए देखना चाहते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद दोस्तों।